कुछ ही देर बाद कराची पहुंचेंगे और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। कैंट स्टेशन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन। तलत हुसैन, अपडेट कीजिएगा, क्या तैयारियां की गई हैं? जी, कराची के शहरियों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, बड़ा शहर बड़ा मनसूबा। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज कराची के स्टेशन पहुंचेंगे, जहां एक बड़े मनसूबे का आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। KCR जो कराची के शहरियों की एक दरीना ख्वाहिश है ट्रांसपोर्ट की, उसे हल किया जाएगा। लेकिन वजीर आजम का ये तीसरा दौरा है कराची का। इससे पहले वजीर आजम की जानब से जो भी ऐलानात किए गए हैं उनके हवाले से तो कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये वो मनसूबा है जिसके लिए कराची की आवाम जो है बड़ी बेताब थी। और वजीर आजम का ये कहना था कि कराची के आवाम के मसाइल जो है वो तरजीह बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल करेगी। उसमें पहला मनसूबा जो ग्रीन लाइन है वो भी अपने आखिरी मराहल में है, और उसके बाद KCR का जो मनसूबा है 2 साल में इस मनसूबे को मुकम्मल करके ट्रेन को चलाना है ताकि कराची की आवाम को नई सहूलियात जो है वो मुयस्सर हो सके। तलत हुसैन, तमाम तफसीलात से आगाह करने अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की, जिनका कहना है कि कराची वालों का दहाइयों पुराना ख्वाब पूरा होने जा रहा है। ट्वीट में कहा कि कराची के शहरी चाहते थे कि शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट का निजाम हो जिसका कलीदी जुज जदीद सर्कुलर रेलवे हो। आज वजीर आजम इमरान खान कराची में इस ख्वाब को पूरा करते हुए KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे।